शारदीय नवरात्र के अष्टमी के दिन माता जी के भक्तों द्वारा गोडैया नंबर 2 सेमरहन पुरवा घाघरा के नल में स्नान करके परिक्रमा किया जाता है। इस संबंध में जब मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता ने वहां का लिया जायजा तो देखा गया कि माता जी के भक्तों द्वारा स्नान करके माता जी के जयकारा का नारा लगाते हुए परिक्रमा करते हुए सेमरहन पुरवा से चलकर हथहन पुरवा रामदास पुरवा बाबा नगीना दास हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में परिक्रमा स्थगित किया। वहीं के निवासी ने मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से बताया कि माता जी की स्थापना 5वीं बार की गई है, इनकी सारी मनोकामना हमारे क्षेत्र के भक्तों पर बनी रहे, यही मेरी मनोकामना है। इस मौके पर राम सागर अध्यक्ष, लाल बहादुर उपाध्यक्ष, बाबू राम कोटेदार, सचिव बलराम यादव उप सचिव तथा प्रधान प्रतिनिधि जसवंत यादव, हंसराम यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य, शिव गोविंद गौड़ सदस्य, पवन यादव प्रधान गोडैया नंबर 4 संतराम बीडीसी, राम तेज यादव सदस्य, आलोक सिंह, राम अभिलाष वर्मा, मथुरा प्रसाद, देवराज यादव, गोपाल यादव, कमलेश यादव, धनीराम, ओम प्रकाश यादव सहित माता जी के भक्त महिलाएं और पुरुष ने परिक्रमा उठाकर रामदास पूर्व में संपन्न की। पहाड़ा वाली माता, चोटी वाली माता। नमस्कार, देखिए इसमें जनपद बैराज के तहसील कैसरगंज क्षेत्र के जो है गोडैया नंबर 3 जो है रामदास पुरो में मौजूद हूँ। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना है, यहीं पे जो है माता जी का जो है मूर्ति की स्थापना की गई है। हमारे बीच में जो है अध्यक्ष जी है, इसे मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। सर अपना नाम पर्चे बताए। राम सागर यादव। आज जो है कितनी बार जो है मूर्ति का स्थापना की गई है? 5 बार की मूर्ति का स्थापना की गई है। अब माता जी से क्या संदेश देना चाहते हैं? माता जी से क्या है कि सबका बहुत पाल ऐसा है कि मूर्ख है, मेरी यह है कि सबका बिल्कुल आज ऐसा परिक्रमा है और सबका अष्टमी के दिन जो है परिक्रमा जो किया गया है, ये कहाँ से कहाँ तक परिक्रमा उठाया गया? सब हम पुरवा होते हुए हथान पुरवा होते हुए आज यहाँ रामदास पुरवा से होकर हाँ मंदिर स्थगित किया गया। क्या नाम है आपका? राम सागर अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में भाई साहब हैं, जरा आपसे माता जी के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता को संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि माता जी मेरे क्षेत्र की जनता को खुशहाल रखें और यही खुशहाली बनी रहे, बराबर इनका आशीर्वाद रहे। तो यह स्थापना कहाँ किस जगह हुआ? यह स्थापना रामदास प्रभा गोडैया नंबर 3 में हुआ। और इसमें भागीदारी किसकी थी? इसमें भागीदारी बहुत सी जनता की है जो गोडैया नंबर 2 और 3 के मिले हुए हैं। उन्हीं के सौजन्य से स्थापना की गई। उन्हीं की संजन से स्थापना की गई। माता जी से क्या मांग रहे हैं? माता जी से हम लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं कि माता जी हमारी लोगों की मनोकामना पूरी करते रहें और हम लोग ऐसे बनाए रहें तो इनकी स्थापना हम करते रहेंगे हर वर्ष। धन्यवाद भाई साहब। अपना नाम पर्चे बताएं। मेरा नाम है शिव गोविंद निषाद। ये जो स्थापना हुई है किस जगह हुई है? ये रामदास गोडैया नंबर 3 में है और 5वीं बार मतलब हमारे यहाँ ये दुर्गा जी का पूजा हो रहा है। आज जो है अष्टमी का दिन था। आज अष्टमी का दिन है और हमारे यहाँ के सब लोग परिक्रमा उठाए हैं सिमरहन पूर्वक गोडैया नंबर 2 से हथहन पूर्वक होते हुए स्थान पर तक। क्या नाम है? शिव गोविंद निषाद। देखिए, शिव गोविंद निषाद ने बताया है कि हमारी तरफ से माता जी कृपा सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। KPFN न्यूज से सुनील कुमार गुप्ता, कैसरगंज बहरे।